चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की ब्रेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स का और एक फोन जो है वो इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हो गया। इसका मतलब इससे पहले दो फोन लिस्ट हुए थे और ये तीसरा फोन है। तो 2021 में माइक्रोमैक्स की तरफ से तीन फोन्स तो आने वाले, ये बात कंफर्म है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो तीनों फोन्स आने वाले इनके अंदर क्या माइक्रोमैक्स 5G फोन लाता है या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A32। सैमसंग की तरफ से आने वाला एक चीपेस्ट 5G फोन। इंडिया के अंदर 5G वेरिएंट आएगा या फिर 4G वेरिएंट आएगा ये अभी तक कन्फ्यूजन चल रहा था, लेकिन आज ये फोन ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट होगा और इंडियन वेरिएंट होगा। और सबसे खास बात कि ये जो है 5G वाला वेरिएंट है, मतलब इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी A32 जो है इसका 5G वेरिएंट आने वाला है, ये बात तो कन्फर्म है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा इस फोन की प्राइस क्या रखता है सैमसंग, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पबजी मोबाइल इंडिया जो है वो फाइनली 16 फरवरी को आने वाला है। मतलब ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन कहीं से खबरें आ रही है कि 16 फरवरी को आने वाला है, ऐसी एक रिपोर्ट निकल के आई। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है शाओमी की तरफ से, शाओमी की तरफ से Mi 10 आए इस नाम से एक फोन 5 जनवरी को आने वाला है, ये बात अब कन्फर्म हो चुके हैं। अभी तक रूमर्स थे कि Mi 10 आई आएगा, लेकिन आज Xiaomi ने खुद ने कंफर्म कर दिया कि Mi 10 आई इसी नाम से फोन आएगा, क्योंकि आई का मतलब है इंडिया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा इस फोन में क्या खास बात रहती है। वैसे 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर तो देखने को मिलने वाला है, तो इस फोन में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आते हैं और इस फोन की प्राइस क्या रखता है Xiaomi, यह देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है एप्पल की तरफ से, एप्पल के iPhone 13 सीरीज। ऐसे कहा जा रहा है कि इस सीरीज में जो प्रो वाले मॉडल्स हो गए, मतलब iPhone 13 प्रो और प्रो प्लस, ये जो मॉडल्स हो गए इनके अंदर एक 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, और बाकी के जो मॉडल्स हो गए उनके अंदर 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सच में iPhone 13 सीरीज जो है वो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है OnePlus की तरफ से, OnePlus की तरफ से ऐसे कहा जा रहा था कि OnePlus स्मार्ट वॉच जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन कल एंड्रॉइड सेंट्रल की एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा है कि OnePlus की तरफ से एक फिटनेस बैंड भी आने वाला है और इसकी प्राइस है 3000 रुपीज़, और इसमें एक एमोलेड डिस्प्ले भी आने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा सबसे पहले OnePlus का बैंड आता है या फिर OnePlus की स्मार्ट वॉच आती है, दोनों में से क्या सबसे पहले आता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है पोको की तरफ से, पोको की तरफ से दो फोन जो है वो ECC सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट होकर दिखाई दे रहे हैं। अब ये पोको F2 है या फिर पोको M2 प्रो है या फिर पोको की तरफ से आने वाला कौन सा फोन है ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, लेकिन दो फोन जो है वो लिस्ट तो हो गए। इसका मतलब पोको की तरफ से 2021 में हमें दो फोन देखने को मिलने वाले, ये बात तो कन्फर्म हो गए। अब देखना होगा ये फोन जो है ये कौन से फोन होते हैं, ये ही देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जानी दोस्तों वो आ रही है Redmi की तरफ से, Redmi की K40 सीरीज। ऐसे कहा जा रहा है इस सीरीज के जो फोन्स होने वाले उनके अंदर Qualcomm Snapdragon 888 ये प्रोसेसर तो आने वाला है, लेकिन ये जो फोन्स होने वाले ये सबसे कम प्राइस में आने वाले जिनके अंदर 888 ये प्रोसेसर आने वाला है। अभी तक Realme कह रहा था कि Realme की तरफ से Realme Race इस नाम से जो फोन आएगा वो सबसे सस्ता फोन होगा 888 प्रोसेसर पे बेस्ड, और साथ ही साथ IQ भी कह रहा था कि IQ 7 जो कि 11 जनवरी को आने वाला है ये भी सबसे सस्ता फोन रहने वाला है जिसके अंदर 888 ये प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। और एक नया लीक निकल के आया कि Redmi का Redmi K11 इस नाम से भी एक फोन आने वाला है जिसके अंदर भी ये प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा 2021 में सबसे सस्ता फोन कौन सा रहता है जिसके अंदर Qualcomm Snapdragon 888 ये प्रोसेसर देखने को मिलता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज़ IQ की तरफ से आ रही है, IQ 7 जो कि 11 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। ऐसे कहा जा रहा है कि इस फोन में 120 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आने वाला है और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इस फोन की प्राइस क्या रखता है IQ, क्योंकि इस फोन में Qualcomm Snapdragon 888 ये प्रोसेसर आने वाला है। देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है अंडर 40,000 लॉन्च होता है या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज 14 जनवरी को आने वाली, ऐसी न्यूज कंफर्म हो गए। अभी तक रूमर्स थे कि 14 जनवरी को आएगी, लेकिन आज एक लीकस्टर ने ईशान अग्रवाल जी ने लीक कर दिया कि ये जो 14 जनवरी को आने वाली फाइनली ये कंफर्म हो गया। मतलब ग्लोबल लॉन्च 14 जनवरी को होगा, इंडिया के अंदर उसी महीने देखने को मिल सकता है ये सीरीज। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज है वो किस प्रोसेसर पे आती है इंडिया के अंदर और इस फोन की प्राइस क्या रखता है सैमसंग, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों इस टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको कौन सी टेक न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।